भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको नवरात्रि के पहले दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए शैल पुत्री माता की जय। नमो देव्य महादेव्य शिवाय शततम नमः। नमः प्रकृते भद्राय निहिता प्रणता स्मताम। बोले शैलपुत्री माता की जय। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराय वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। बोलिए शैलपुत्री माता की जय। माँ भगवती जगदम्बा जो कि माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूप होती है और इनका सबसे पहला नव दुर्गा का जो स्वरूप होता है शैलपुत्री का होता है। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय के यहां पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री माता पड़ा। वृषभ स्थिता है यानी इनकी सवारी बैल है। इन माताजी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यह नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। माता के नौ स्वरूप में पहला स्वरूप माता शैलपुत्री का है। नव दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व है और इनकी शक्तियां अनंत है। नवरात्रि पूजन के प्रथम दिवस इनकी पूजा की जाती है। शैलपुत्री माता बड़ी ही सौम्य स्वरूपा है। इनको सफेद वस्तु सबसे अधिक प्रिय है और माँ जगदम्बा इस दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना आरंभ होती है। माँ शैलपुत्री की पूजा यदि आप करना चाहते हैं तो इनको शुद्ध जल और अन्य वस्तुएं जो भगवती जगदम्बा को चढ़ाई जाती है वो सब वस्तुएं अर्पण करें तथा माता शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। माँ शैलपुत्री का पूजन करने से मनुष्य को आरोग्यता की प्राप्ति होती है, शरीर स्वस्थ रहता है, इसके अलावा दीर्घायु की प्राप्ति होती है। माता शैलपुत्री के मंत्र का यदि आप जाप करना चाहते हैं तो इनका जो बीज मंत्र है जिससे माँ शैलपुत्री की उत्पत्ति हुई है वह मंत्र है ओम रिम शिवाय नमः। ओम रिम शिवाय नमः ये महामंत्र माता शैलपुत्री का है। इस महामंत्र की आपको माला जाप करनी चाहिए यानी एक माला इसकी जाप करने से शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, आप आरोग्यता से परिपूर्ण रहेंगे तथा आपको लंबी आयु की प्राप्ति होगी। शैलपुत्री माता के पूजन के पश्चात आपको देवी कवच का श्रवण करना चाहिए। वैसे तो सभी भक्तजन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और देवी कवच का भी पाठ करते हैं, लेकिन हम आपको हिंदी अर्थ सहित देवी कवच अब सुनाने जा रहे हैं। माता शैलपुत्री के पूजन के पश्चात देवी कवच का तथा अर्गला स्तोत्रम का और कीलक स्तोत्र का और रात्रि सुक्तम का भी पाठ आपको पहले दिन श्रवण करना चाहिए। मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य को सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी न हो। ब्रह्मा जी बोले कि हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन जो परम पवित्र एवं परम गुप्त है वह देवी कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण होता है और मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा होती है। उसे सुनिए, देवी जी की नौ मूर्तियों के नाम इस प्रकार है। पहली शैलपुत्री है, दूसरी ब्रह्मचारिणी है, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा देवी है तथा पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी देवी और सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवी सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा है, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंसा हुआ है अथवा घोर संकट से ग्रस्त है, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसे घोर से घोर संकट और कष्ट भी जो है स्पर्श नहीं कर पाते हैं और उसके सारे संकट और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। रण में, युद्ध भूमि में,
कोई भी अमंगल नहीं होता है, कोई आपत्ति नहीं आती है, शोक दुख भय आदि कुछ भी नहीं होता है। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करता है उनकी सभी प्रकार से उन्नति तथा प्रगति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करता है वह इस संसार में उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करता है। निशंसय उसकी आप रक्षा करती है। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी, वैराही महिष पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी देवी मोर के ऊपर और माता महालक्ष्मी कमल के आसन पर विराजित है। श्वेत रूप धारण करने वाली, वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी, हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सभी माताएं हैं। यह सभी देवियां क्रोध युक्त मुद्रा में रथों पर सवार होकर दर्शन देती है। यह शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परशु पाश कुंड त्रिशूल उत्तम आयुध शारंग धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश करने के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती है। हे महारोद्रे, हे महाघोर पराक्रम वाली, महाबल तथा महा उत्साह वाली, घोर से घोर भय का विनाश कर देने वाली, हे माँ जगदम्बे का है देवी जी, आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करे तथा अग्नि कोण में अग्नि देवता रक्षा करे। दक्षिण दिशा में वाराही देवी, नैऋत्य कोण में खड़ग धारिणी, पश्चिम में वारुणी देवी, वायव्य कोण में मृग वाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी देवी, ईशान कोण में शूल धारिणी और ऊपर ब्रह्माणी एवं नीचे पृथ्वी पर वैष्णवी देवी मेरी रक्षा करे। इस प्रकार शव वाहिनी चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया पीछे की, बाईं ओर अजिता, दाईं ओर अपराजिता मेरी रक्षा करे। और उद्योतिनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराजित होकर मस्तक की मालाधारी, भौंओं की यशस्विनी, भौंओं के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यम, घंटा देवी और नेत्रों के मध्य में शंकिनी देवी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल की शंकरी देवी मेरी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा और ऊपर के होठ की चर्चिका देवी, नीचे के होठ की अमृत कला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कुमारी देवी रक्षा करे। कंठ की चंडिका देवी, गले की चित्र घंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी देवी, वाणी की सर्व मंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धरी मेरी रक्षा करे। कंठ की बाहरी भाग की ग्रीवा और कंठ नलिका की नल कुबरी, दोनों कंधों की खड़गिनी एवं मेरी भुजाओं की वज्र धारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी तथा हृदय की ललिता देवी रक्षा करे। उदर की शूल पारिणी रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रियों की गुह्येश्वरी, लिंग की पूत कामिनी, गुदा की महिष वाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबला देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसेम्मी देवी, पांवों की तालियों की तेजसी देवी, अंगुलियों की श्रीधरी देवी और तलवों की तल वासिनी रक्षा करे। नाखूनों की दृष्टा कराली, केशों की ऊर्ध्वकेशिनी, रोम छिद्र की कुमारी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। रक्त मज्जा वसा मांस अस्थियों एवं मेद की पार्वती देवी रक्षा करे। अंतड़ियों की कालरात्रि देवी रक्षा करे। पित्त की मुकुटेश्वरी देवी मेरी रक्षा करे तथा पद्मकोश की पद्मावती देवी, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेद्या देवी मेरी रक्षा करे। हे ब्रह्माणी, आप मेरे वीर की रक्षा करे। छाया की छत्रेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी मेरी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पांच इंद्रियों की योगिनी सत्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे।
आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडी के मेरे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे। भैरवी मेरी भार्या की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपता देवी, मार्ग की क्षेम करी। राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया देवी मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए हैं और जो अरक्षित है, उन स्थानों की पाप नाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं पर न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहां जहां पर जाता है, वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य निर्भय होकर के इस पृथ्वी पर जो है पूरी तरह से सुखों को प्राप्त करता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता है। त्रिलोकी भर में उसको जो है पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ में सावधान होकर के जो तीनों संध्याओं के समय, यानी प्रातः काल, सायं दोपहर समय और सायंकाल के समय पड़ता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। उसे कोई भी जो है इस तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता है। उसे अकाल मृत्यु कभी भी नहीं आती है। वह 100 वर्षों से भी अधिक उम्र को प्राप्त करता है। लूता, चेचक, कोढ़ आदि सभी व्याधियां, सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। जंगम तथा कृत्रिम विष आदि विष निवृत्त हो जाते हैं। मारण, मोहन आदि सभी प्रकार के अभिचार, योग तथा मंत्र तंत्र, कवचा व्रत पुरुष को देखते ही निवृत्त हो जाते हैं। भूचर, नवचर तथा जलचर नीची श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, गंडमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली घोर डाकिनिया, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि जिस मनुष्य के हृदय में कवच में निवास हो, उस पुरुष को देखते ही ये सभी नष्ट हो जाते हैं। राज सम्मान उसे प्राप्त होता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति को बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर लेवे। जब तक पर्वत वन काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है और देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की उसे प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पा करके वह सदा शिव के साथ में आनंद को प्राप्त करता है। श्री देवी कवचम श्री जगदम्बार्पणमस्तु। बोलिए जगदम्बे मात की जय। अब हम आपको अर्गला स्तोत्रम सुनाने जा रहे हैं। श्री मार्कंडे ऋषि कहते हैं कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस प्रकार इन सभी देवियों को हम सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं, इनकी वंदना करते हैं। हे चामुंडे देवी, समस्त प्राणियों के दुखों का निवारण करने वाली आपकी सदा जय जयकार हो। हे सर्वव्यापक देवी कालरात्रि, आपकी जय हो। मधु तथा केटप दैत्यो का दलन करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली, आपको बारंबार नमस्कार है। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो तथा काम क्रोधादि शत्रुओं का नाश कर दो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों की सुखदाता देवी जी को बारंबार नमस्कार है, उन्हें प्रणाम है। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश कर दो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी और चंड मुंड असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप प्रदान कर दो। जय दो, यश दो और मेरे समस्त शत्रुओं का विनाश कर दो, उनका वध कर दो। हे पाप नाशक चंडी के जो सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडी के देवी जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो।
हे देवी, आप मुझे सौभाग्य प्रदान करो, आरोग्य प्रदान करो और इस संसार में परम सुख मुझे प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विध्वंस करो, मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति मुझे प्रदान कर दीजिए। रूप दीजिए, जय दीजिए, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, हे जगदम्बिके, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों अपने मुकुट की मणियां घिसते रहते हैं। हे मातेश्वरी, आपने भक्त को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीवान कर दीजिए। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान को चूर्ण करने वाली चंडी के मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, आपको नमन करता हूं। हे चार भुजाओं वाली माता, चतुर्भुज ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते। हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो और बैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती के पति महादेव जी से स्तुत्य है परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप तो कठोर भुज दंड रखने वाले दैत्यों का घमंड नाश कर देती है। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करो जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूप समुद्र से मुझे तारने वाली हो, उत्तम कुल से उत्पन्न हो। जो पुरुष इस अर्गला स्तोत्र का पाठ करके महास्तोत्र कीलक का पाठ करता है, वह सप्तसती के पाठ जब से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को तुरंत ही प्राप्त कर लेता है। श्री अर्गला स्तोत्रम श्री जगदम्बार्पणमस्तु। अब हम आपको कीलक स्तोत्रम सुनाने जा रहे हैं। मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूं जिनके तीन दिव्य नेत्र है, जिनके शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है, अर्ध चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है। श्री मार्कंडे ऋषि बोले कि मंत्रों के श्राप एवं उत्कीलन आदि को समझ करके पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक होता है। सब उच्चाटनादि वस्तुएं इसी स्त्रोत्र द्वारा पाठ करने से सिद्ध होती है। जो इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती के पाठ के द्वारा देवी की स्तुति करता है, उन्हें समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। उच्चाटनादि प्रयोग से उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिना जप के ही सभी उच्चाटनादि सिद्ध हो जाते हैं। और क्या समस्त उच्चाटनादि इसी से जो है सिद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार लोगों को शंका हुई तब उस शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुला करके आज्ञा दी, यह सब सिद्धियों को देने वाला शुभ स्तोत्र है। इस चंडिका स्तोत्र को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया है। इस स्तोत्र के पाठ के द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्रचित्त होकर के अपना सब कुछ भगवती को अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेता है। उस पर भगवती पराम्बा प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इसी रूप के कीलक द्वारा महादेव जी ने इसे भी कीलन कर दिया है, जो इसके द्वारा सप्तसती का निष्कीलन करके स्पष्ट होकर के नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है और वह कहीं भी घूम रहा है तो उसे कोई भय नहीं होता है, न उसकी अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर भी उसे मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए इस कीलक स्तोत्र को समझ करके तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता है उसका नाश हो जाता है। तभी तो बुद्धिमान पुरुष इसे समझ करके उत्कीलन से संपन्न होकर के स्तोत्र का पाठ आरंभ कर देते हैं। जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, वे सब के सब श्री देवी की कृपा से प्राप्त हो जाते हैं। इसी कारण इस शुभ स्तोत्र का पाठ जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्तोत्र के मंद स्वर से पाठ करने से
थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर से अधिक फल प्राप्त होता है तथा समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। अतः उच्च स्वर से पाठ आरंभ करें। जिस भगवती की कृपा के द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रु नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत की माता की स्तुति मानव मात्र को अवश्य करना चाहिए। श्री देव्या कीलक स्तोत्रम श्री जगदम्बार्पणमस्तु। अब हम आपको रात्रि सुक्तम सुनाने जा रहे हैं। महत्वादिक व्यापक इंद्रियों में सब देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों के शुभाशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती है और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती है। ये देवी अमर है और संपूर्ण विश्व को नीचे फैलाने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ाने वाले वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थित है। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के अंधकार को नष्ट कर देती है, यानी उसके शरीर में, मन में या उसके ज्ञान में कोई भी अंधकार हो तो वह समाप्त हो जाता है। पराचित शक्ति रूप रात्रि देवी आकर के अपनी बहन ब्रह्म विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती है, जिसमें अविद्यामय अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। वे रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं। उस करुणामयी रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी, नगरवासी, शहरवासी, मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय, घोड़े आदि, पशु, पंखों में उड़ने वाले पक्षी एवं पतंग आदि, किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक शयन करते हैं। हे रात्रिमयी चित्त शक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वक्री तथा पापमय व्रक को हमसे अलग करो, काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ, तदनंतर हमारे लिए सुख पूर्वक तरने योग्य हो जाओ, मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी हे देवी आप बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब ओर फैला हुआ यह अज्ञानमय काला अंधकार मेरे निकट आ पहुंचा है, तुम इसे ऋण की भांति हमसे दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण को दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर के इस अज्ञान को आप हटा देती हो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गौ के समान हो, मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ, तुम स्तोत्र की भांति मेरे इस हविष्य को भी स्वीकार करो। रात्रि सुक्तम श्री जगदम्बार्पणमस्तु। इस प्रकार यहाँ पर नवरात्रि के पहले दिन की कथा का समापन होता है। बोलिए जगदम्बे मात की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकराधिसेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए जगदम्बे मात की जय। वैष्णो माता की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने नवरात्रि के पहले दिन की कथा का श्रवण किया है। कथा सुनने के बाद यदि आप दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से आप दान दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अपने लिए श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं या मंत्र जाप अनुष्ठान करवाना चाहते हैं या फिर अपनी ओर से आप कन्या भोजन संपन्न करवाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप धनराशि प्रदान कर सकते हैं तथा नवरात्रि का समस्त पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।